This content only for educational purpose only. I am not responsible for your any action. दोस्तों सब्सक्राइब और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियोस सबसे पहले। Hi guys, I'm Ricky and you are watching Hindi Technical YouTube channel. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसे ऐप्स के बारे में अगर आपने उनको यूज किया तो शायद आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, और ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं उन ऐप्सों को देखते हैं। पहले का नाम है बिट टॉरेंट। तो आपने टॉरेंट के बारे में तो जानते ही होंगे, ऑफिशियली इंडिया में तो पूरी तरीके से इनलीगल है। इस ऐप के और इस ऐप की जो साइट होती है वो पूरी तरीके से इनलीगल है और जो भारत सरकार है उन्होंने पहले ही बताया हुआ है अगर आप बिट टॉरेंट यूज करोगे तो आपको कम से कम 2 साल की सज़ा हो सकती है। और चलते हैं हमारे दूसरे ऐप की तरफ, इसका नाम है ब्लैक मार्ट। ब्लैक मार्ट एक तरीके से मार्केट है और ये मार्केट उसी टाइप का मार्केट है जैसे प्ले स्टोर होता है। बस इसमें होता ऐसा है कि जितने भी पेड ऐप्स हैं आप इनको बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई हैक की ज़रूरत नहीं है, कोई पैच की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ऐप वहाँ पे मिलने वाले हैं वो ही सारे ऐप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कम्प्लीटली फ्री बिना किसी रुपये पे की हुए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन जितनी है। दोस्तों तीसरी एप्लीकेशन है लकी पेचर। तो ये बेसिकली मैं जनरली मैं यूज पहले करता था पर जब से मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि इनलीगल काम करने से बेटर है आपको ना करना, इन चीज़ों को यूज करना ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले मैं लकी पिक्चर काफ़ी यूज किया करता था, अब फ़िलहाल ही मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसका यूज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लकी पिक्चर एक तरीके से एक ऐसा ऐप है जो आपके गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल जितने भी ऐप्स हैं उनको हैक कर सकता है, उनकी पेमेंट हैक कर सकता है, उनको मॉडिफाइड कर सकता है, जो कि साइबर क्राइम लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप दिए हुए ऑथराइज ऐप को किसी का वो कॉपीराइटेड ऐप है उस पर आप कुछ छेड़खानी करते हो, उनके कुछ डाटाबेस में कुछ अंतर करते हो तो आपके ऊपर कुछ केस या 420 का केस लग सकता है। ये ऐप भी उसी सीरीज में आता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने फोर्थ ऐप की तरफ, इसका नाम है स्पूफ ऐप। तो ये दोस्तों बेसिकली में एक ऐसा ऐप है अगर आप इसको यूज करना चाहोगे मगर अगर आप इसको फन के लिए अगर यूज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस ऐप को यूज करते हो अगर आपने गलत काम लिया और आपको किसी ने आपके ऊपर केस वेस किया तो आपको रियली में जेल हो सकती है। तो इस ऐप का काम क्या है आप देख सकते हैं, बहुत ही रद्दी इसका इंटरफेस है। क्यों इसका रद्दी इंटरफेस है मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि इस ऐप को अभी तक अपडेट नहीं किया गया पर ये अभी भी काम करता है। इसमें सिर्फ आपको नंबर डालना है जिसको आपको कॉल करना है और आपको सेकंड डब्बे पर ये डालना है कि उसको आईडी क्या शो करानी है और आप नॉर्मली आवाज़ रख सकते हो, वॉइस में आप मैन भी कर सकते हो, वूमेन भी कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और काफ़ी अच्छा ऐप है ये। मैं बेसिकली मैं पैस को पहले काफ़ी यूज किया था दोस्तों प्रैंक करने के लिए और मैं उन्हीं के नंबर से उन्हीं को कॉल कर सकता था। इसमें ये है आप उनके फ़ोन पर उनको कुछ भी आईडी दिखा सकते हो और लोगों को पता भी नहीं चलने वाला है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों पांचवा और आखिरी ऐप जो कि शायद पाँचवें रैंक पर इसीलिए आता है क्योंकि शायद ये सबसे ख़तरनाक भी है, ये कम्प्लीटली हैकिंग से जुड़ा हुआ ऐप है। ये प्रोग्राम बेसिकली में डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ है कि ये ऐप इलीगल है, अगर आप इस ऐप को चलाते हो तो आपको सिर्फ एक लूप परमिशन की जरूरत होगी। आप किसी भी नेटवर्क से जुड़े हुए हो और आपके इस नेटवर्क के जितने भी वाईफाई नेटवर्क जुड़े हुए हैं, वाईफाई के दोस्तों इस तरीके से काम करता है कि अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़े हुए वाईफाई के पे और वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग और उस वाईफाई से जुड़े हुए हैं तो आप अगर आपको स्पीड स्लो आ रही है तो आप सभी की स्पीड को कम कर सकते हो और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं नेट की को, और ये भी कर सकते हो कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप उनको उनके नेटवर्क से किक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है वैसे तो, पर अगर इसको हम प्रैंक के लिए यूज लें फिर अगर
लोकल सर्वर पर यूज लें, हमारे खुद के सर्वर पर यूज लें तो अच्छा होगा। अगर जनरली सोशल जगह पर या फिर कुछ भी ऐसी जगह जहाँ पर इसको यूज लेते हैं तो आपको